जय गुरुदेव। मैं मनोज कुमार प्रसाद आप सभी को आपके अपने चैनल ताल तरंग मनोज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी आप लोग इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। तो आज आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, हुस्न पहाड़ों का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, उसका आज ट्यूटोरियल आपस में शेयर करेंगे। हमारे फैमिली मेम्बर से कोई एक सज्जन है जो कमेंट्स किए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा गाना कमेंट्स करने के लिए। उसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, ठीक है। ताल दीपचंदी ताल के ऊपर है पूरा गाना, दुगुन ठेका भी है, सिंगल ठेका भी है, और लास्ट में हम इसमें एक लग्गी भी बजा सकते हैं, है नहीं गाने में है नहीं, लेकिन लास्ट में एक लग्गी भी बजा सकते हैं, उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग दूसरे किसी दीपचंदी ताल मैंने सॉन्ग में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना है तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं प्रीलूड म्यूजिक से, जो इंट्रो होता है। इंट्रो म्यूजिक में क्या है, धीरे दिन ता ता ता, धीरे दिन ता ता ता, धीरे दिन ता ता ता, बस यही है। क्या है, धीरे दिन पहला वाला धी घसीट के साथ, ठीक है, बायां हम दिखा रहे हैं, धी दिन ता ता ता। धी दिन में क्या करना है, हल्का सा थाप लेना है, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता। मात्रा क्या हो रहा है, धी धी इन, धी धी वन ता ता, सात मात्रा में है, धी धी वन ता ता, ठीक है। तो धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता। दीपचंदी ताल का लचक को पहले अच्छी तरह से समझना है, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता। इस लचक को मैंने ये जो मैंने झूला जैसे झूल रहा उसको समझना है, ठीक है। तो इसका पहले एक बार चाटी देख लीजिए, धी दिन पहला वाला धी घिस्सा, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता, पहला वाला ता में कौन लग रहा है, धी दिन ता, फिर वन ता ता, फिर दूसरा वाला ताता जो दो बार है, पहला ता में कौन लग रहा है, लास्ट वाला ता में कौन ही लग रहा है, तो क्या हो रहा है, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता। बाया देखिए इसका बाया, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता, बस यही है, धी दिन ता ता ता, धी दिन ता ता ता। आशा करते हैं प्रीलूड का जो म्यूजिक है, इंट्रो का जो म्यूजिक है, इसमें यही बजाए। इसको बजाने के बाद गाना शुरू हो रहा है, गाना में एक छोटा सा पिकअप है ताता कता, बस इसी से ये ताता कता प्रत्येक जगह पे है, अंतरे में भी है, अंतरा में शुरू करने से पहले भी है, ठीक है, लेकिन अंतरा होने के बाद जब क्रॉस आ रहा तब भी है, अंतरा में दूसरा पिकअप है, लेकिन शुरुआत में जो पिकअप है गाने के गाना जब शुरुआत हो रहा है तो इसी पिकअप के साथ, इसी मुखड़े के साथ ठेका शुरू क्या हो रहा है, क्या हुआ, ता ता ता, धी दिन ता ती दा धी ता, धी दिन ता ती दा धी ता, धी दिन, क्या हो रहा, ता ता ता, धी दिन ता ती दा धी ता, धी दिन ता ती दा धी ता। तो क्या ता कता ता ता कता, बस यही बजाना है आपको, ता ता कता ता ता कता, यही बजाना है, ता ता कता, सिंपल है, ता ता कता, सारा इंडेक्स फिंगर से बजेगा, ता ता कता। उसके बाद ठेका क्या है, धी धी ना ती दा धी ता, धी धी ना ती दा धी ता, ये मेन ठेका है। पूरा सॉन्ग में ज्यादातर ही ठेका बजाया आपका, हाँ, इस ठेका को समझते हैं क्या है। तो ताता का तो समझ गए होंगे, अब ठेका समझते हैं, ठेका क्या है, धी धी ना, दो बार छल्ला आएगा, छल्ला का है, जिसको छल्ला नहीं बजाना आता वो तीन उंगली से बजा सकता है, धी धी ना, इससे भी बजा सकता है, धी धी ना ती दा धी ता, धी धी ना ती दा धी, जिसको छल्ला आता है वो छल्ला से बजाना है, छल्ला में क्या है, धी धी ना ती दा धी ता, अब बगैर छल्ला का क्या है, धी धी ना, जहां पे छल्ला लग रहा था वहां पे तीन उंगली, धी धी ना ती दा धी ता, ठीक है। तो धी धी ना ती दा धी ता, धी धी ना ती दा धी ता। अब इसको समझते हैं पार्ट बाय पार्ट, धी धी ना पहला घर, फिर ती धा धी ता, ठेका सुनने में लग रहा है कहारवा की तरह चल रहा है, कारवा ताल के चल रहा है, लेकिन एक मात्रा उसमें कम है, पहला घर में ही,
धी धी ना, दूसरा वाला तीधा धीता, कारवा का ही सेकंड फेज है, मतलब दूसरा खाली वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला वाला दादरा दादरा बोल सकते हैं, पहला वाला दादरा दूसरा वाला कारवा मिला के सात मात्रा हुआ है। तो क्या हो रहा है, धी धी ना, पहला धी घसीट के साथ धी, दूसरा धी उसी से रिवर्स धी और ना, ना में कौ लग रहा है, तो धी धी ना, फिर ती छल्ला, फिर धा, धा फर्स्ट फिंगर से आएगा बाएं का, ती धा धीप, धीप पे भी छल्ला और मिडिल फिंगर से वजन के साथ धी ता, घसीट नहीं है वजन है, क्या है धी, पहले से एक बार समझ लीजिए धीरे धीरे, धी धी ना, पहला धी घसीट, धी धी ना, फिर ती छल्ला, फिर धा बाया का इंडेक्स फिंगर और यहाँ राइट साइड भी इंडेक्स फिंगर, धा, फिर धीर ता, तो धी धी ना ती दा धी ता, धी धी ना ती दा धी ता, ये है ठेका। बाया देखिए तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बाया क्या है, बाया है धी, यहाँ पे चाटी दिखा रहे हैं, धी पहले घसीट के साथ उसी से रिवर्स धी छल्ला के ऊपर, धी धी ना, ना में कौ लग रहा है, फिर ती छल्ला, फिर धा फर्स्ट फिंगर के साथ, फिर धीत, ये धीत वजन के साथ धीत ता, तो क्या हो रहा है, धी धी ना ती दा धीत ता। आशा करते हैं ठेका समझ गए होंगे, जो बेसिक ठेका है इस गाने का। तो पिकअप के साथ धी धी ना ती दा धीत ता, ता ता ता, धी धी ना ती दा धीत ता, धी धी ना ती दा धीत ता, धी धी ना ती दा धीत ता। पिकअप क्या आता, ता ता ता, धी धी ना ती दा धीत ता, धी धी ना ती दा धीत ता। ठीक है, अब ये गाने ये स्थाई में पूरा ये ठेका चल रहा, इसके बाद आ रहा म्यूजिक पार्ट, एम वन पहला म्यूजिक पार्ट, अंतरे के आगे जो म्यूजिक होता है उसको म्यूजिक वन बोला जाता है। तो म्यूजिक पार्ट में पहला म्यूजिक पार्ट में क्या बज रहा है, देखिए, धी धी ना धी धी ना ना धा ता 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 ता, धी धी ना धी धी ना ना धा ता 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 ता, इसको समझते हैं, ये पूरा दीपचंदी का रूप बजा है, चौदह मात्रा का बजाय, ठीक है, इसके पहले तो सात मात्रा का था, दुगुने बोल सकते हैं। अब ये क्या है, दीपचंदी में जो पूरा मेन जो है, मेन चौदह मात्रा उसको समझते हैं, धी धी ना धी धी दाना, धी धी ना धी धी दाना धा ता 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 ता, तो धीरे धीरे समझते हैं, पहला फेज क्या है, धी धी ना तीन मात्रा, उसके बाद धी धी धाना पहला, और खाली वाला पार्ट धा तक वन ता वन ता ता का ता, धी धी देखिए, धी धी ना धी धी धा ना धा तक वन ता वन ता ता का ता, चौदह मात्रा में आ गया फिर धी, तो धीरे धीरे समझते हैं, धी धी ना पहला धी घसीट के साथ धी, फिर उसी से धी रिवर्स धी, फिर ना, ना में कौ लगेगा, तो धी धी ना, उसके बाद धी धी धाना, ठीक है, धी धी धाना, धी धी धाना, ठीक है, धी धी ना धी धी धाना, धीरे धीरे देखिए, धी धी ना जो पहला था सेम वही है, दूसरा वाला धी धी धाना, दो बार छल्ला, धी धी धाना, धी धी ना धी धी धाना, ठीक, धी धी ना धी धी धाना। बाया थोड़ा बाउंस होगा वो हम दिखाते हैं बाया में, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर खाली वाला पार्ट धा तक वन, क्या गैप है, धा तक एक थप थप आएगा, धा तक वन ता वन ता तक ता ता, धा तक ता ता तक ता, धा तक तक जो है कौ साइलेंट है, कौ नहीं बजेगा, धा तक सिर्फ थापी बजेगा, धा तक वन ता ता में कौ लगेगा, ता में कौ लगेगा, ठीक है, धा तक वन ता वन ता तक ता, धा तक ता ता तक ता, धा तक ता ता तक ता, धा तक ता, इसमें कौ लगेगा, धा तक ता ता तक ता तक ता, दो मात्रा में है, तो क्या हो रहा है, धी धी ना धी धी धा ना धा तक ता ता तक ता, धी धी ना धी धी धा ना धा तक ता ता तक ता। बाया देखिए, बाया देखने से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, यहां पे चाटी दिखा रहा है, धी धी ना, ठीक, फिर उसके बाद धी धी धा ना, तो धी धी धा ना, धी 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 धा ना, इसको बाउंस करना है तो और एडवांस लेवल का बजेगा, वन टू वन टू वन टू, पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं, इसको प्रैक्टिस करना, वन वन टू
इसको प्रैक्टिस कीजिए तो बाउंस आ जाएगा, ठीक है। तो धी धी धा ना, मतलब पीछे टांगना है, पीछे टांग के खेलना है, पीछे खेलना है। तो धी धी धा ना, तीनों धा मतलब तीनों में जो बाया लग रहा है तीनों को पीछे टांग के आगे खेलना है, ऐसे पीछे टांगेंगे फिर आगे खेलेंगे तो वो बाउंस आपका हो जाएगा, एडवांस लेवल का बजेगा। तो क्या हो रहा है, धी धी ना, ना में कौन लगा, फिर धी धी धा ना, धी धी धा ना, दो बार चला रहा है, धी धी धा ना। खाली वाला पार्ट क्या हो रहा है, तीसरा घर धातक कौन ही लग रहा है, धातक वन का गैप है, धातक वन, फिर ता वन, ता 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 ता। तो क्या हो रहा है, धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता 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 ता, धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता 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 ता। आशा करते हैं समझ गए होंगे एम वन का जो ठेका है। उसके बाद आता है अंतरा। इस गाने में जब अंतरा आता है तो पिकअप जो है बहुत ही अच्छा पिकअप है, क्या है, ता 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 ता, बस इतना ही है, तीन बार ता 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 कीट ता ता कीट, सात मात्रा का पिकअप है, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है, उसका आधा सात, यानी आप सात से भी कुछ बना सकते हैं, 14 मात्रा से भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ता 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 कीट ता ता कीट, ठीक है, ता 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 ता, पहला ता में क लगेगा, इसमें तीन ता है, ता ता ता, पहला ता में क लगा, ता ता ता, फिर ता ता कीट ता ता कीट, ता 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 कीट ता 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 कीट ता ता कीट, या ता 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 कीट ता ता कीट, ता ता कीट भी कर सकते हैं, ता ता कीट ता ता कीट भी कर सकते हैं, जो मर्जी आपका। तो ता 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 कीट ता ता कीट, ठीक है, ता ता कीट ता ता कीट, सबको पता है, ता ता कीट ता ता कीट, ता 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 कीट ता ता कीट। इसके बाद ये पिकअप लेके ठेका आ रहा है। ठेका क्या है, सेम जो म्यूजिक पार्ट का ठेका बोले थे वो पूरा बजेगा, सिर्फ लास्ट वाला घर जो है, माने ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, खाली वाला के बाद वाला जो घर है उसमें थोड़ा चेंज है, क्या है, धी धी ना, धी धी ना ना, धातक ता ता, तब म्यूजिक पार्ट में था तावन ताता कता, इसमें होगा तावन तावन। तो चार मात्रा हो गया, पहले समझना है दीपचंदी का छंद क्या है, पहला घर में तीन मात्रा, दूसरा में चार, तीसरे में तीन, चौथे में चार, तो 3 + 4 + 3 + 4 = 40 दीपचंदी का मात्रा हो गया 14 मात्रा का ताल। इसमें घर चार है, पहला घर में तीन मेंबर है, दूसरा घर में चार मेंबर है, तीसरा घर में तीन मेंबर है, चौथा घर में चार मेंबर है, तो पूरा खानदान जिसको बोलते हैं वो हो गया मात्रा 14 मात्रा का ताल, ठीक है। इसमें तीन ताली एक खाली है, खाली वाला घर तीसरे नंबर पे है, धी धी ना, धी धी ना ना, दोनों में ताली है, पहला घर में पहला मात्रा में, दोनों घर का पहला मात्रा में ताली है, और धातक धा जो है खाली है, धातक धा में खाली है, फिर तावन तावन ये इसमें भी ताली है। तो अंतरे का ठेका जो है, हम थोड़ा सा दीपचंदी के बारे में आप लोगों को समझा दिए ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। तो क्या हो रहा है, ठेका क्या हो रहा है अंतरे का, धी धी ना, धी धी ना ना, धातक ता ता, सिर्फ लास्ट में ता ता, तावन तावन, एक्चुअली ता ता बोल रहे हैं लेकिन वन का गैप जा रहा है, तावन तावन। तो धी धी ना, धी धी ना ना, धातक ता ता, धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता ता। जो ता ता आ रहा है दोनों ता में क लगेगा, बाया एक बार देख लीजिए, बाया देखने से और समझ में आ जाएगा, क्या है, धी धी ना, एक ही प्रोसेस है, धी धी ना, ना में क, धी धी ना, धी धी धा ना, इसको बाउंस करने से धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता ता, धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता ता, धी धी ना, धी धी धा ना, धातक ता ता। आशा करते हैं अंतरा का ठेका समझ गए होंगे। ये अंतरा का ठेका दो लाइन जब हो जाएगा तब फिर क्रॉस ठेका आएगा, बहुत ही मजेदार ठेका है दीपचंदी का, 14 मात्रा का ए भी है, इसको खाली भरी का भी ठेका बोल सकते हैं दीपचंदी का, ठीक है। तो क्या है ठेका, क्या है, धी ना ना, धी धा ना ना, ती ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा धा ना, ती ना ना, धी धा धा ना। आप जब सॉन्ग सुनिएगा ना आपको पता चलेगा, अंतरा जब सुनिएगा तो अंतरे का ठेका आने के बाद ये सॉन्ग आपको
ये ठेका भी आपको जरूर अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, हेडफोन लगाएगा तो पता चलेगा। तो क्या है ठेका? धी नाना, ठीक है, धी धा धाना। तो धी नाना, धी ओपन बंद, मैंने ओपन बया, घसीट नहीं होगा इसमें, धी नाना छल्ला के साथ, धी नाना। उसके बाद धी धा धा ना, ये है मैंने धी ना ना। फिर दूसरा घर में धी धा धा ना, फिर ती ना ना, यहां पे एक थाप ले लीजिए, ती ना ना, ती में छल्ला नहीं लीजिए, थाप ले लीजिए और एडवांस हो जाएगा, ती ना ना। फिर धी धा धा ना, तो धी ना ना, धी धा धा ना, ती ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा धा ना, ती ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा धा ना, ती ना, धी धा धा ना। और एक बार धीरे धीरे समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, धी ना ना, पहला घर कंप्लीट। दूसरा घर धी धा धा ना, एक बार छल्ला आ रहा, तीन बार इंडेक्स फिंगर आ रहा, ठीक है, और धी धा ना, तीन बार बाया आ रहा, धी धा धा ना। फिर तीसरा घर ती, ती में थाप ले लीजिए, ती ना ना, फिर धी धा धा ना, बाया देखिए तो समझ में आ जाएगा कैसे हो जाए, धी ना ना, फिर उसके बाद धी धा धा ना, ठीक, उसके बाद ती ती था, ती ना ना, उसके बाद धी धा धा ना। तो क्या हो रहा है, धी ना ना, धी धा धा ना, ती ना ना, धी धा धा ना, धी ना, धी धा धा ना, ती ना ना, धी धा धा ना, इस तरह से ठेका चलेगा। तो एक बार देखिए हम अंतरे का पिकअप और जो मेन ठेका है उसके बाद क्रॉस ठेका तीनों को बजाते हैं, कैसे होगा, ता 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 धी धी ना, धी धी ना ना, ता 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 ता, धी ना ना, धी धी ना ना, ता 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 ता, धी धी ना, धी धी ना ना, ता 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 ता, धी ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा धा ना, धी ना ना, धी धा, ठीक है। और धी धी ना ना, ता 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 ता, और धी धी ना जो मेन ठेका है उसमें आप थापी भी ले सकते हैं, धी 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 ना, धी धी ता ना, धा तक ता ता, धी धी ना, धी धी ता ना, धा तक ता ता, ता ता ऐसे भी ले सकते हैं, तीन उंगली से भी ले सकते हैं, ता ता, इसको बजाने से और एडवांस होगा, ठीक है। जो अंतरे का मेन ठेका जहां जहां ता ता आ रहा है, कहने का मतलब है वहां पे ऐसा ले सकते हैं, ऐसा लेने से और यूनिक लगेगा। तो क्या हो रहा है, धी धी ना, एक बार फिर से बजाते हैं, ता 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 ता, धी धी ना, धी धी ना ना, ता 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 ता, धी धी ना, धी धी ना ना, ता 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 ता, धी ना ना, धी धी ता ना, धी ना ना, धी धी ता ना, धी ना ना, धी धी ता ना, धी ना ना, धी धी ना ना, धी धी ना ना, धी ना ना, धी धी ता ना, धी ना ना, धी धी ना ना, धी ना ना, धी धी ना ना। ऐसा करते तीन समझ गए होंगे, पिकअप, फिर ठेका अंतरे का, फिर क्रॉस ठेका, इसको मिला के बजने के बाद गाना रुकता है, फिर जाके मेन ठेका फिर वही आ जाता है, जो मुखड़े का ठेका है वो फिर घूम के आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद म्यूजिक पार्ट, दूसरा म्यूजिक पार्ट आ रहा है, तो दूसरा म्यूजिक पार्ट में एक ठेका बजाए, देखिए धी धी ना, ये तो समझ गया है, धी धी ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरह ये सभी ठेका में बजेगा। इसका जो पहला वाला ही फेज जो ये अच्छी तरह से बजाइएगा तो एक दीपचंदी का स्वरूप अपने आप तैयार हो जाएगा। धी धी ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए, धी धी ना, 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 पहला धीमे घसीट, धी उसी से रिवर्स, धी छल्ला के साथ, दोनों छल्ला हो गया और ना के साथ, इसको यदि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एक लचक ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा दीपचंदी का। धी धी ना, धी धी ना, दोनों को एक जगह बजाइएगा, बाया बाया वाले दोनों इसी तरह बजाइएगा, नहीं होगा धी धी ना, तब जाके उसका चलन तैयार होगा, दीपचंदी का चलन तैयार होगा। तो सारा ठेका में, मैक्सिमम ठेका में ये वाला है धी धी ना, तो इसको अच्छी तरह से कीजिए, धी धी ना, धी धी ना, धी धी ना। तो अब हम लोग आते हैं म्यूजिक पार्ट दो, मतलब दूसरा म्यूजिक पार्ट में,
आते हैं। तो दूसरा म्यूजिक पार्ट में क्या है, धी धी ना, उसके बाद दूसरा फिर धी धी ना ना घेना, इसमें भी धी धी, पहला वाला धी घसीट धी, दूसरा वाला धी उसी से रिवर्स धी, तो धी धी ना धी धी, यहां तक नाना घेना, नाना घेना दो मात्रा में, नाना घेना ना तीन उंगली से आएगा, नाना घेना, फिर पक वन टू पावन पावन, इसमें गैप ज्यादा है, तक को साइलेंट है, तक वन टू का गैप है, फिर ता ता में को लगेगा, पावन पावन, एक बार गिन के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, धी धी नाना घेना तक वन टू तावन तावन, चौदह मात्रा में आ गया, धीरे धीरे देखिए इसको, धी धी नाना घेना तक वन टू तावन तावन, ठीक है, चौदह मात्रा में आ गया। अब इसको इसको जब हम लोग बजाएंगे ना तो वन टू का गैप जो है, गैप को अच्छी तरह से दिखाना है, गैप नहीं दिखाइएगा तो वो मात्रा कम हो जाएगा, चौदह से तेरह आ जाएगा या साढ़े तेरह आ जाएगा, साढ़े बारह हो जाएगा, तो ठेका जमेगा नहीं, गाने के साथ बजा भी नहीं पाइएगा, इसलिए पहले मेट्रोनम के साथ इसको बजाना है, बोलना भी है सही से, प्रत्येक बार बोलते हैं, कोई भी बोल हो कोई भी लेसन हो उसको बोलना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से बोलिएगा तभी उसको बजा पाइएगा, क्योंकि बोलिएगा तो माइंड रीड करेगा, अब माइंड रीड करेगा तभी वो उंगली में आपको भेजेगा कि इस तरह बजाना है, ये तो सिस्टम है एकदम, ठीक है। तो कैसे बजेगा, धी धी ना धी धी ना ना गे ना ता वन टू ता वन ता वन, धी धी ना धी धी ना ना गे ना ता वन टू ता वन ता वन, ता में का लगेगा, ये ता बजा सकते हैं या ये ता बजा सकते हैं, ये वाला बजाने से एडवांस लेवल यूनिक लगेगा, ठीक है। बाया देखिए इसका क्या बज रहा है, बाया धी धी ना धी धी ना, फिर धी धी नाना घेना, घे मिडिल फिंगर से आएगा, नाना घेना ना तीन उंगली से आएगा, तो धी धी ना धी धी, पहला वाला धी धी ना घसीट तो है धी धी ना, फिर दूसरा वाला में भी घसीट है धी धी नाना घेना, फिर तक वन टू तावन तावन, यही जगह है, धी धी ना धी धी ना वन टू तावन तावन, धी 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 ना घेना तक वन टू तावन तावन, धी धी ना धी ना घेना तक वन टू तावन तावन, धी धी ना धी तक वन टू तावन तावन। आशा करते हैं म्यूजिक पार्ट का भी ठेका समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा ठेका है। हाँ, अब इसके बजाने इसको बजाने के बाद सेम वही दूसरा अंतरा में जो अंतरा दिखा है पहले वाला वही पैटर्न है, उसके बाद फिर मेन ठेका है। इसमें एक कोशिश कर सकते हैं लास्ट में जब गाना एंड हो रहा है एक लगी बजा सकते हैं, क्या हो रहा है, ता 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 बजा नहीं है, सॉन्ग में बजा नहीं है, हम बोल रहे हैं कि उसको बजाने के लिए बजाइएगा, चाहे इसको अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो दीपचंदी में किसी भी भजन में किसी भी जगह पे ये लगी बजा सक पाइएगा। शायद हम पहले वीडियो में इसको समझा दिए हैं, फिर भी हमको लगा कि इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं। क्या है, धाग धीना घेना धाती धाग धीना घेना, पहला लाइन धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना, सात मात्रा में धाग, सारा बोल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना, खाली वाला पार्ट, ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना, फिर सुनिए, धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना, तो बजेगा कैसे, धाग धीना धाग धाग धागो, ठीक, धाग धीना घेना, घेना फर्स्ट फिंगर से आएगा, धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना, तीना का ती में क लगेगा, फिर ताक तीना केना ताती धाग धीना घेना, धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना ताक तीना केना धाती धाग धीना, ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना, फिर से धीरे धीरे देखिए चाटी, धाग धीना धी अंदर जाएगा, धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना,
धीना और तीना अंदर जाएगा, ठीक है, बाकी सब किनार में रहेगा। धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना, फिर ताक तीना केना ताती धाग धीना घेना। बाया देखिए, बाया देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। धा गो, गो फर्स्ट फिंगर है, धा गो, फिर धी मिडिल फिंगर, धीना घेना घे फर्स्ट फिंगर। ये जो बार बार चेंज कर रहे हैं उसको करना है, नहीं तो स्पीड में लगी नहीं बजेगा, फंस जाएगा। ये दोनों उंगली को चेंज करना है। फिर से देखिए, धाग धीना घेना, ठीक, फिर धाती, फिर धाग तीना केना, यहां तक खत्म। फिर ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना। तो क्या हो रहा है, धाग धीना घेना धाती धाग तीना केना ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना। धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना ताक तीना केना धाती धीना घेना। धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना ताक तीना केना धीना घेना। धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना। धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना ताक तीना केना धाती धाग धीना घेना। धाग धीना घेना धाती धाग धीना केना ताक तीना केना। आशा करते हैं लगी भी समझ गए होंगे, धीरे धीरे देखिएगा अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और सीखने लायक लेसन है दीपचंदी ताल के ऊपर। अच्छी तरह से बजाइएगा, दीपचंदी ताल बहुत हद तक आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और धीरे 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 इसको बजाना है, फिर जाके सॉन्ग के साथ इसको बजाइए। हाँ, तो एक अनाउंसमेंट है, अगले वीडियो में किए थे, इस बार भी बोल रहे हैं, बहुत जन बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में कैसे जुड़े। ऑनलाइन क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको ढोलक तबला, तो इस नंबर, यहाँ पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कैसे जुड़ते हैं उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से वाच कीजिए, धीरे धीरे एक एक बोल को अच्छी तरह से मेट्रोनोम के साथ बजाइए, उसके बाद गाने के साथ बजाने का कोशिश कीजिए। पहले गाने के साथ मत बजाइएगा, बजेगा नहीं, धीरे धीरे पहले हाथ में लाइए, ठेका लगी लगी तो नहीं है, लगी हम दिए ताकि आप इसको दूसरे सॉन्ग में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए दिए हैं, ठीक है। अच्छा लगा होगा लेसन तो कमेंट जरूर करना है, क्यों कमेंट्स करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है अच्छी तरह से कि और कुछ नया कुछ करें, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छी तरह से कमेंट्स करना है, ताकि हमको भी लगे कि और अच्छी तरह से समझाना है, क्योंकि पहले जब वीडियो बनाते थे तो थोड़ा नया नया था, तो मैंने समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसीलिए बहुत जन उसमें कमेंट्स भी किए हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कोशिश करते हैं कि और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाएं, क्योंकि सीखना तो सभी को है, आपको भी हमको भी, ठीक है। तो तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुदेव।